हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण पुनिया. लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी विद स्माइली फेस एंड फ्रेश माइंड. आज हम चैप्टर नंबर 26 के वर्ड मीनिंग करेंगे. चैप्टर नंबर 26 का नेम है जर्नी टू मून. जर्नी मीन्स यात्रा, मून मीन्स चंद्रमा या चांद, चांद की यात्रा. ये हमारा है चैप्टर. जैसे चांद पे अपने मून पे कौन कौन गया है, किसने पहला स्टेप रखा था, ये सब हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले करेंगे हम वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वन इज लिफ्टेड. लिफ्टेड का मीन्स होता है उठाना. जैसे कोई चीज़ पड़ी हुई है नीचे और आप उसको उठाते हैं तो आप बोलेंगे लिफ्टेड. सेकंड इज एस्ट्रोनॉट्स. एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को. जो यात्री स्पेस में जाते हैं, जो पैसेंजर स्पेस में जाते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं. ठीक है, जो किससे जाते हैं, स्पेसशिप से स्पेस में जाते हैं नासा के द्वारा, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स. थर्ड वन इज सरफेस. सरफेस बोलते हैं सतह. जैसे हमारा फर्श है, फर्श क्या होगी, सतह होगी. जैसे टेबल है आपका, टेबल पे जहाँ आप सामान रखते हो वो टेबल क्या क्या होगा, सरफेस. टेबल की वो सतह होगी. ठीक है, जिस जहाँ आप कुछ चीज़ रख सकते हो वो सतह बन जाती है. नेक्स्ट इज सेपरेटेड. सेपरेटेड मीन्स अलग होना. जैसे कोई दो चीज़ें हैं आपके पास, जैसे आपने एक पेंसिल के दो टुकड़े कर दिए तो वो दोनों टुकड़े अलग अलग हो गए ना. पेंसिल के दोनों टुकड़े अलग अलग हो गए तो वो होता है सेपरेट करना. स्प्लैश्ड. स्प्लैश्ड का मीन्स होता है छिड़कना, किसी भी चीज़ का छिड़काव करना. जैसे दवाई का छिड़काव करते हैं, जब आपकी फसल होती है तो दवाई छिड़कते हैं ना, स्प्रे करते हैं, तो स्प्लैश्ड होता है छिड़कना. डिप्लॉयड, फहराना या फैलाना. जैसे आपके स्कूल में भी क्या करते हैं, एनुअल फंक्शन पे तिरंगा झंडा या आपका फ्लैग है उसको क्या करते हैं, फहराते हैं, तो वो होता है डिप्लॉयड. नेक्स्ट इज सिस्मोमीटर. सिस्मोमीटर बोलते हैं भूकंप मापी. कई बार आपने ये सुना भी होगा कि भूकंप आया था. भूकंप का मतलब है आपकी जो अर्थ है, आपकी जो धरती है, वो थोड़ा सा हिलना शुरू कर देती है. जैसे ही वो हिलती है उसको मापने के लिए कि वो हिल रही है, वो कम हिल रही है, ज़्यादा हिल रही है, तो उसको मापने के लिए आपके पास सिस्मोमीटर होता है, भूकंप मापी. थैंक यू क्लास.